मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी लंबी पूछताछ किए। करीब 7 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीमावास से ईडी की टीम बाहर निकली। सीएम से ईडी ने बड़गाई अंचल में डीएवी बरियातू के पीछे स्थित जमीन के संबंध में पूछताछ की। सीएम से उनके और पारिवारिक सदस्यों द्वारा अर्जित संपत्ति के बारे में भी पूछताछ की। इसके बारे में सीएम ने जानकारी ईडी को दी। अब ईडी इसका मिलान करेगी। वहीं पूछताछ खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास से बाहर निकल लंबे समय से मुख्यमंत्री के इंतजार में बैठे कार्यकर्ताओं से मिले, उन्हें संबोधित किया और उनका आभार जताया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को आधे हाथ लेते हुए ईडी की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम हम लोग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपी भारत। उन पर विश्वास करती है, उन पर भरोसा करती है और उसी का परिणाम है कि आज पार्टी के कार्यकर्ता इतने रात होने के बावजूद इस सड़क पर यहाँ पर डटे हुए हैं। इससे बड़ा और विश्वास आपको क्या पेश किया जाए? देश को राह दिखा दी विनोद भैया ईडी के खिलाफ। अब झारखंड का अनुसार नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि देश को राह इन्होंने दिखाई, लेकिन एक बात जरूर है कि जो सही होता है वो हमेशा अडिग रहता है। भैया कर रहे हैं लेकिन भीड़ इतनी है कि आवाज पहुँचना मुश्किल है। लगातार ढोल नगाड़े की थाप जो है यहाँ पर गूंज रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाथ फैलाकर अभिवादन स्वीकार है। कुछ बोल रहे हैं निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।